गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की आज ये हमारी सेकंड क्लास है अर्थशास्त्र विषय की। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपसे क्या चर्चा करने वाले हैं कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। विषय का टॉपिक शुरू करने से पहले ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको अपने इस सब्जेक्ट में बहुत सारे ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ क्या होते हैं, वक्र क्या होते हैं, या जिन्हें इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, कर्व्स क्या होते हैं। तो इनकी जो बेसिक जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। देखिए, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ दो चरों के बीच में जो संबंध होता है उसको चित्रों के द्वारा दर्शाने का एक तरीका होता है। अब आप कहेंगे कि दो चर क्या होते हैं। चर वे वैल्यूज़ होती हैं जो बदलती रहती हैं। अभी आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दो चर हैं, एक तो है टेम्परेचर, दूसरा चर है सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग। अगर आपसे यह पूछा जाए कि टेम्परेचर और सर्दी के वस्त्रों के प्रयोग के बीच में क्या संबंध है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान गिरता है, यानी कि सर्दी बढ़ती है, सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग बढ़ जाता है। क्लियर? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, यानी कि गर्मियाँ बढ़ती है, सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग घट जाता है। तो यहाँ पे दो चर कौन से हैं, टेम्परेचर एंड आपके वूलन्स। तो इनके बीच में संबंध कैसा है कि यदि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। तो यहाँ पे कई बातें क्लियर हो रही है। क्या यहाँ पे दो चर हैं, तापमान और सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग। दूसरी बात, एक चर स्वतंत्र है और एक चर आश्रित है। क्या आश्रित है? कि तापमान के परिवर्तन के कारण सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग बदलता रहता है। तो स्वतंत्र रूप से परिवर्तन हुआ तापमान में, तापमान के परिवर्तन के कारण सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग भी बदलता है। तो टेम्परेचर यहाँ स्वतंत्र चर है और आश्रित चर कौन सा है, सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग। क्यों? क्योंकि सर्दी के वस्त्रों का कितना प्रयोग होगा ये किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। क्लियर? तीसरी बात, थिंक ए थिंक बी। और तीसरी बात क्या है, इन दोनों चरों के बीच में संबंध कैसा है। कैसा संबंध इनके बीच में, क्या नजर आया, एक चर घटता है तो दूसरा बढ़ता है, एक चर बढ़ता है तो दूसरा वाला घट जाता है। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध है, विलोम, उल्टा, या फिर हमें इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें, इन दोनों के बीच कैसा संबंध है, ऋणात्मक। यानी कि एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दोनों एक दिशा में नहीं जा रहे हैं, इसलिए इनके बीच में ऋणात्मक संबंध है। तो यहाँ पे क्या चीज़ क्लियर हुई कि दो चर हैं, दो चर में से एक स्वतंत्र है, एक आश्रित है, एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी परिवर्तन होगा, होगा ठीक है, लेकिन परिवर्तन कैसा होगा, उल्टा होगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। तो ये तो एक सिंपल सा आम जीवन का मैंने आपको उदाहरण दिया है दो चरों को लेकर। अब हम यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब हम यहाँ पर चरों के नाम बदल देते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनके नाम बदल देते हैं। वहाँ पर हमने वेरिएबल्स लिए थे तापमान और सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग। आज यहाँ पर, अब हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स दे रहे हैं उनका नाम है एक्स और वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी है। एक्स को हमने स्वतंत्र चर मान लिया है, वाई को हमने आश्रित चर मान लिया है, जिसका क्या मतलब हुआ कि जब x में परिवर्तन होगा तो y में भी परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि y में परिवर्तन के कारण x में परिवर्तन होगा। x चूंकि स्वतंत्र है तो इसमें स्वतंत्र रूप से चेंजेस होंगे, तो इसके चेंज के कारण y भी बदल जाएगा। देखिए, अगर x की वैल्यू एक है, पहली कंडीशन, इस पूरे को भूल जाइए, तो y की वैल्यू मान लीजिए 10 है। x की वैल्यू बढ़ गई है और एक से दो हो गई है, तो y की वैल्यू घट गई है, 10 से 9 हो गई है।
इसी तरीके से x की वैल्यू लगातार बढ़कर 3, 4, 5 हो रही है, तो आप क्या देखते हैं कि x की वैल्यू बढ़ने के कारण y की वैल्यू लगातार घट रही है, 9, 8, 7, 6। तो यहाँ आपको पूछा जाए कि दोनों चरों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो दोनों के बीच में कैसा संबंध है, विलोम, उल्टा या ऋणात्मक संबंध है। क्लियर? तो दो चरों के बीच में संबंध ऋणात्मक है, संबंध धनात्मक भी हो सकता है और शून्य संबंध भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कंडीशन ऋणात्मक ना होकर कुछ इस प्रकार होती, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां आप क्या देखते हैं कि x की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होने पर y की वैल्यू भी परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। और कैसे बदल रही है? 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। तो क्या समझ में आया कि x की वैल्यू परिवर्तित होने पर या बढ़ने पर y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, यानी दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है? सीधा संबंध है कि x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है। इस सीधे संबंध को हम धनात्मक संबंध भी बोलते हैं। क्लियर? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 लगातार बढ़ने पर y की वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, कि x के परिवर्तन से y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, y पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो क्या समझ में आया यहां पर कि दो चरों के बीच में संबंध धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक संबंध का मतलब है कि एक चर में वृद्धि होगी तो दूसरे चर में भी वृद्धि होगी, और अगर एक चर में गिरावट होगी तो दूसरे चर में भी गिरावट हो जाएगी। ऋणात्मक संबंध का मतलब यह है कि एक चर में वृद्धि होगी तो दूसरे चर में कमी होगी, या एक चर में कमी होगी तो दूसरे चर में वृद्धि हो जाएगी। और शून्य संबंध का मतलब है कि एक चर में चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, दूसरे चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि विभिन्न प्रकार के चरों के बीच में धनात्मक ऋणात्मक प्रकार का संबंध होता है तो दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो किस प्रकार का बनता है। देखिए, ग्राफ जो है वो एक पैनल में बनता है, इसे हम पैनल कहते हैं। आपने 10th क्लास में ये पढ़ चुके हो गणित में कि x यहाँ पे धनात्मक होता है, x यहाँ पे ऋणात्मक होता है, y यहाँ धनात्मक होता है और y यहाँ ऋणात्मक होता है, और यहाँ पे सभी चरों की वैल्यू शून्य होती है। क्लियर? तो ग्राफ एक्चुअली में बन तो उस पूरे पैनल में सकता है, लेकिन अगर हमारे पास राशियाँ ऋणात्मक नहीं है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो इस पैनल पे बनाएंगे, x एंड y यहाँ इस मूल बिंदु जहाँ से दो रेखाएं निकल रही है इसे कहते हैं मूल बिंदु। याद कर लीजिए, ये मूल बिंदु होता है जहाँ से x अक्ष और y अक्ष निकलता है। मूल बिंदु से नीचे की तरफ जब हम लाइन खींचते हैं तो इसे हम बोलते हैं x अक्ष, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो लाइन खींचते हैं उसे हम बोलते हैं y अक्ष, जो कि वर्टिकल होता है, या मतलब ये क्षैतिज होता है, ये धरातल होता है, ये क्षैतिज होता है। अब x अक्ष पर हम हमेशा स्वतंत्र चर लेते हैं, y अक्ष पर हम हमेशा आश्रित चर लेते हैं। जैसे पहले वाले उदाहरण में हमने तापमान और सर्दी के वस्त्रों के प्रयोग की बात की थी, तो यहां पर हम क्या लेंगे? स्वतंत्र चर, जो कि क्या है? तापमान, और आश्रित चर, जो कि क्या था? सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग, सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग। वहां पर हमने संख्या से बताया
कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग बढ़ जाता है। तो जब हमने यहाँ पर x अक्ष पे तापमान और y अक्ष पे सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग ले लिया है तो इसे हम किस तरीके से दर्शाएंगे। तापमान में बढ़ोतरी का मतलब है इस बिंदु पर तापमान भी शून्य है, सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग भी शून्य है। इस मूल बिंदु से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चाहे हम इस बिंदु पर रहें, इस पर रहें, इस पर रहें या इस पर रहें, तो इसका मतलब यह है कि तापमान में बढ़ोतरी को यह दर्शा रहा है। मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ आगे बढ़ने का मतलब है तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ बढ़ने का मतलब है कि सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर हम सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग के बजाय b चर लेते और यहाँ पे तापमान के बजाय a चर लेते तो इसका अर्थ भी सेम होता, केवल नाम बदल जाते कि अब मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ आगे बढ़ने का मतलब है कि a चर की मात्रा में वृद्धि हो रही है, मूल बिंदु से y अक्ष की तरफ बढ़ने का मतलब है b चर की मात्रा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब हम आपको ग्राफ बनाना समझाते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल ग्राफ के द्वारा मैं आपको ग्राफ बनाना समझा रही हूँ, उदाहरण के द्वारा। देखिए, ये मूल बिंदु है, ये हमारा x अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये हमारा y अक्ष है। x अक्ष पे हमने व्यक्ति की आमदनी को लिया है और y अक्ष पे हमने व्यक्ति के मासिक खर्च को लिया है। क्या देखते हैं कि व्यक्ति की आमदनी की विभिन्न कंडीशंस 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये है। यहाँ पे व्यक्ति के खर्च की अलग अलग कंडीशन दर्शाएं हैं, 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, 1400 रुपये, 1900 रुपये प्रति महीना खर्च। तो ये ग्राफ व्यक्ति की आमदनी और हर महीने उसके द्वारा किए जाने वाले खर्चे के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है कि जब व्यक्ति की आमदनी 1000 रुपये महीना है तो वो 500 रुपये खर्च करता है। तो 1000 रुपये महीना और 500 रुपये जो खर्च कर रहा है, उन दोनों को ग्राफ में कहाँ शो करेंगे, जहां पर ये पॉइंट आपस में मिलते हैं। ये पॉइंट आ गया। अगर व्यक्ति की आमदनी 1000 से 2000 रुपये हो जाती है तो व्यक्ति का जो खर्चा है महीने का वो भी बढ़ेगा, वो बढ़कर 500 से 700 हो जाता है। तो 700 रुपये खर्च और 2000 रुपये आमदनी का जो संयोग है वो लगभग यहाँ आता है। इसी तरीके से अगर व्यक्ति की आमदनी 3000 रुपये हो जाती है तो व्यक्ति का खर्चा मान लीजिए 1000 रुपये महीना हो जाता है, तो इन दोनों का जो संयोग है वो लगभग इस पॉइंट पर आएगा। इसी तरीके से व्यक्ति की एक आमदनी अगर 4000 या 4000 से 5000 हो जाती है तो उसके द्वारा किए जाने वाले खर्चे भी मान लीजिए 1400 या 1900 रुपये हो जाते हैं, तो इन दोनों के संयोग मान लीजिए यहाँ आ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है हम इनका नाम लिख देते हैं, पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई। ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? ए पॉइंट बता रहा है 1000 रुपये आमदनी है तो 500 रुपये खर्च करेगा महीने का। बी पॉइंट बता रहा है कि 2000 रुपये आमदनी है तो 700 रुपये महीने का खर्च करेगा। सी पॉइंट बता रहा है कि 3000 रुपये अगर आमदनी है तो महीने का 1000 रुपये खर्च करेगा। डी पॉइंट ये बता रहा है कि अगर आमदनी 4000 रुपये प्रति महीना है तो प्रति महीना 1400 रुपये खर्च करेगा। ई पॉइंट ये बता रहा है कि यदि अगर आमदनी 5000 रुपये है तो वो 1900 रुपये पर महीना खर्च करेगा। तो ये संबंध हुआ व्यक्ति की आमदनी और व्यक्ति के खर्च के बीच में। संबंध कैसा है, ऋणात्मक है या धनात्मक है? ऑब्वियसली धनात्मक संबंध है, क्योंकि व्यक्ति की आमदनी बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। अगर हमें इस संबंध को ग्राफ में शो करना है, या तो हमने केवल पैनल में पॉइंट इकट्ठे किए हैं, ग्राफ शो करना है, तो हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये जो ग्राफ है इसका नाम रख देते हैं हम एम एन। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है
वैसे वैसे व्यक्ति का हर महीने का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो जब ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है तो हम यह मानते हैं या ये कहते हैं कि जिन दो चरों के बीच में ये ग्राफ बनाया गया है उन दोनों चरों के बीच में रिलेशन कैसा है, धनात्मक। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की आमदनी बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का खर्चा भी बढ़ रहा है। इस तरह बच्चों हम बहुत से चरों के बीच में, किसी भी प्रकार के चरों के बीच में यदि वो आपस में संबंधित है ग्राफ बना सकते हैं। चर दो होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो अभी हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। जब हम दो चरों के बीच में संबंध बनाते हैं, मतलब संबंध दर्शाते हैं, तो दो चरों का जो संबंध होता है या तो वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। शून्य संबंध की हम बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक पैनल है, ये एक दूसरा पैनल है, यहाँ पर ए चर, बी चर, सी चर एंड डी चर है। तो अगर ए और बी के बीच में धनात्मक संबंध है तो दोनों के बीच जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर सी और डी के बीच में धनात्मक संबंध नहीं है, ऋणात्मक है, तो उसका ग्राफ नीचे गिरता हुआ बनेगा। ऊपर चढ़ते हुए ग्राफ का मतलब है धनात्मक संबंध और नीचे गिरते हुए ग्राफ का मतलब है ऋणात्मक संबंध। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ये टॉपिक बंद कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम शुरू करेंगे उपयोगिता विश्लेषण, जो कि हमारा पहला चैप्टर है हमारी किताब व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो अगले वीडियो में हम आपसे बात करते हैं उपयोगिता विश्लेषण के बारे में।